हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, यानी कि JFSL के बारे में। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स इनके आ चुके हैं और इस बारी नंबर कैसे रहे हैं, कैसे नहीं, क्या प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, क्या कोई यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिला है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और छोटी सी वीडियो है, बस आपको यहाँ पर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, काम की लगे, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पर नंबर्स रख दिए हैं, एक एक कर चीज़ों पर नजर डालेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप यहाँ पर देखते हो, जिसमें आपको चार पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला है अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम अगर हम इस बार का देखते हैं तो ये करोड़्स में नंबर है, तो मैं आपको डायरेक्टली नंबर बताऊँगा। 16174 का फिगर है यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 16174, जो कि पिछली बार था 280, यानी कि पिछले क्वार्टर में, और अगर हम यहाँ पे पिछली साल का भी देखते हैं तो वो था 201, यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस और वाई ऑन वाई बेसिस दोनों ही यहाँ पर आपको नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो पहला पार्ट आता है इंटरेस्ट इनकम, उसमें दोनों ही जगह चीज़ें खराब होती हुई नज़र आ रही हैं। फिर अगर आप यहाँ पर देखते हो तो फिर अगर हम डायरेक्टली देखते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि निकल कर आता है 417 करोड़, जो कि पिछली बारी कितना था 418 करोड़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये भी कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो वो था 414 करोड़, लेकिन बढ़कर हो गया है 417, यानी कि लगभग सेम ही है। फिर बात करें अगर हम टोटल इनकम के बारे में, तो रेवेन्यू और अदर इनकम को अगर हम जोड़ देते हैं तो बनता है टोटल इनकम। टोटल इनकम इनकी लगभग सेम ही है, ठीक है, पिछले क्वार्टर में हल्का सा 8 लाख के आसपास का, आप समझ के चले 80 लाख के आसपास का, उसके बाद तो कुछ नहीं था, तो टोटल इनकम लगभग सेम है। फिर आते हैं एक्सपेंसेस, जिसमें फाइनेंस कॉस्ट, इम्पेयरमेंट इंस्ट्रूमेंट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन और अदर एक्सपेंसेस, उनको मिलाकर टोटल एक्सपेंसेस हैं इस बार के 79 करोड़, यानी कि इन्होंने पिछली बार के कंपैरिजन में काफ़ी हद तक एक्सपेंसेस कम कर लिए, और वहीं साल के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस बढ़ गए। 53 CR के आसपास का नंबर था, जो कि इस बार बढ़कर 79 हो गया। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, तो नंबर निकल कर आता है 338 करोड़, जो कि पिछली बार के कंपैरिजन में ज़्यादा है। पिछली बार था 315 करोड़, और पिछले साल था 360, जो कि इस बारी कम होकर रह गया है 338। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सही दिख रहा है, लेकिन वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बड़ा ड्रॉप है। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, जो पहली लाइन आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने डेटा रखा है, जो कि है 400 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको देखने को मिल रहा है, जो कि पिछली बारी था 392, यानी कि 392 करोड़, लगभग 8 करोड़ का बेनिफिट हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 427 CR का प्रॉफिट था, जो कि इस बार 427 करोड़ का इनको घाटा देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन पिछली बार के कंपैरिजन में उतना नहीं है। यानी कि अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो वो आया है 312 करोड़, जो कि पिछली बारी था 310 करोड़, 2 करोड़ का फ़ायदा हुआ, और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 331 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस बारी कम होकर रह गया है 312 करोड़, यानी कि नंबर्स मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ठीक ठाक नंबर है, एवरेज ही हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खराब नंबर नज़र आ रहे हैं। बाकी अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पिछली बारी जो था 0.49, इस बार भी लगभग 0.49 ही है, और अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 0.52 था। यानी कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग सेम है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर्स अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन आपको नहीं दिया गया है, ना डिविडेंड, ना आपको बोनस वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। तो ये है जियो के रिजल्ट्स, जो कि मुझे तो बेकार ही लगे हैं। आप मुझे कॉमेंट में बताइए आपके हिसाब से नंबर्स कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।